आज चौथा संडे है, टुडे इज द फोर्थ संडे, चौथा संडे जब हम इस विषय पर हम सीख रहे हैं कि कलीसिया में हमारी जिम्मेदारियां और हमारे आपसी संबंध, हम दो चीजों के बारे में हम देख रहे हैं, दो चीजों के बारे में हम देखते हैं। कलीसिया में हमारे आपसी संबंध क्या है, कलीसिया में हमारे आपस में जो संबंध है, कलीसिया में जब हम चर्च आते हैं, जब हम सत्संग में आते हैं, जब हम कलीसिया में आते हैं तो परमेश्वर के साथ हमारा संबंध स्थापित करने के लिए आते हैं, ये तो गिवन है, अंडरस्टूड है। वी कम हियर टू मीट गॉड, हम यहाँ पर परमेश्वर से मुलाकात करने आते हैं, मुख्य रूप से परमेश्वर की आराधना करने आते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करने आते हैं, परमेश्वर की आशीष पाने के लिए आते हैं, परमेश्वर के साथ मुलाकात करने के लिए आते हैं, ये बात तो हम सब जानते हैं। इसके बाद में जो दो बातें और हैं उनके बारे में हम आपको सिखा रहे हैं, और उनमें से पहली बात है जब हम चर्च में आते हैं तो हम सिर्फ प्रभु के साथ मुलाकात नहीं करते हैं, हम और बताओ किससे करते हैं, आपस में। हम सिर्फ प्रभु से नहीं मिलते हैं, हम आपस में एक दूसरे को मिलते हैं। दूसरी बात जो हमने सीखी थी, किसी भी समुदाय का हिस्सा होना जिम्मेदारी को लेकर आता है। उनमें से पहली जिम्मेदारी हमने देखी थी रेगुलर चर्च अटेंडेंस, हमारी पहली बेसिक नर्सरी क्लास जैसी हमारी जिम्मेदारी है। हमारी दूसरी जिम्मेदारी है जब आप चर्च में लगातार आओगे तो, लगातार नहीं आओगे तो जो सामने लिखा है वो हो नहीं पाएगा, लेकिन अगर आप लगातार आओगे चर्च में तो ये हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए आप प्रतिबद्ध हो, इसके लिए आप समर्पित हो। क्या कि आपको चर्च में, चर्च कलीसिया के समुदाय में आपको सच्ची नहीं सच्चे सच्चे मित्र बनाने हैं, सच्ची दोस्तियां स्थापित करनी हैं कलीसिया के संदर्भ में, और जिसमें आप एक दूसरे को बढ़ा सकें। हमारी थर्ड जिम्मेदारी हमने देखा था, ये जहां तक काम की बात करते हैं तो ये प्रमुख है, बी कमिटेड टू द गॉस्पल, सुसमाचार से प्यार करो, सुसमाचार को गहरी दिल से मोहब्बत करो, सुसमाचार की रक्षा करो। चौथी चीज ये था कि अपना फुलफिल योर फंक्शन इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, परमेश्वर के देह में, परमेश्वर के इस, ये शरीर है कलीसिया, क्या है सत्संग, क्या है एक, सारे बोलो सत्संग क्या है, एक शरीर है। शरीर के अलग अलग क्या होते हैं, अंग, हर एक अंग का क्या होता है, अलग अलग काम होता है। इसका मतलब अगर आप अंग हैं इस शरीर के, अगर आप लोग अंग हैं, अगर आप लोग एक बॉडी के पार्ट हैं इस बॉडी के, तो आपका जो फंक्शन है उस फंक्शन को करो, उस काम को करो। हमारी अगली जिम्मेदारी मसीह की देह में अपनी सेवा का काम करना, डू योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फुलफिल इट, वॉट एवर यू हैव टू डू। कैसे करेंगे, मैंने क्या बताया था, हम कैसे करेंगे, हाउ डू यू फुलफिल योर फंक्शन, कैसे करेंगे हम, मैंने सिखाया था पिछले हफ्ते, कैसे करेंगे, अपने वरदान को इस्तेमाल करके, यू हैव अ गिफ्ट, जस्ट यूज इट। और जो आज हम आपको सिखाने वाले हैं, बहुत फास्ट में जाऊंगा क्योंकि बहुत कुछ है, लेकिन गिव फाइनेंशियली फेथफुली। कलीसिया में आपकी एक, ये सब लोगों ने इधर उधर मुंह कर लिया सबने पढ़ के, ओके कितने लोगों के पास जेब है, भाइयों के कितनों के पास जेब होती, कितनी बहनों के पास पर्स होता है, छोटा या बड़ा, कैसा पर्स होता है, होता है उसमें हम क्या रखते हैं बोलो, और भी कुछ कुछ रखते हैं, कागज, उसका तो इतना ध्यान रखते हैं ना। अगर किसी का पर्स गुम जाए तो हम पहला सवाल क्या पूछते हैं उससे, कौन कौन से तेरे कागज गुम गए, ऐसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं, उसमें कितने पैसे थे। आज हम पैसे की बात कर रहे हैं, चर्च में ये जो आपके सामने थैली है, जो बॉक्स है, इसके अंदर पैसा देने की बात हम कर रहे हैं, और ये भी आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका क्या बोलते हैं उसको, एहसान नहीं है। कभी भी नहीं सोचना मैंने सेक्टर 14 के लिए 15,000 दिए थे और आप अपने मन में आपको लग रहा आपने बहुत बड़ा काम किया था, परमेश्वर आपके प्रेम से दिया हुआ हर एक पैसा प्रभु उसको आशीष देगा, इस्तेमाल करेगा, लेकिन यह कोई बहुत बड़े घमंड करने की बात नहीं है, यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी, आपका काम है यह। जैसे आप अपना जब पैसा कमाते हो कहां लेके जाते हैं वो पैसा, अपने घर लेके जाते हैं ना, उसी प्रकार कलीसिया में भी हमारा धन देना ये एक जिम्मेदारी है हमारी। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि पास्टर को कितने पैसे मिलते हैं और पास्टर को कौन पैसे देता है, पास्टर को क्यों पैसे मिलते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं ये,
बाइबल सिखाती है कि जो पास्टर है, जो कलीसिया में वचन सिखाता है, उसको कलीसिया से ही तनख्वाह मिलनी चाहिए अपना घर चलाने के लिए। ये बाइबल की शिक्षा है। तो इसका मतलब कहां से आएगी सैलरी? मैं अपनी बात नहीं कर, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरी सैलरी नहीं आती, मैं आपको सिखा रहा हूं सिर्फ कि वचन क्या कहता है। किसी भी चर्च के पास्टर को जो उसका घर चलाने का खर्चा होगा वो कहां से आएगा? भेंट के पात्र से आएगा। वहां उसके अंदर पैसा कहां से आएगा? आप लोग देंगे। और क्या कलीसिया में सिर्फ पैसा पास्टर का घर चलाने के लिए दिया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कलीसिया के खर्चे होते हैं, कलीसिया को भी आगे सुसमाचार का खर्चा करने के लिए, काम करने के लिए उसमें पैसा लगता है। कलीसिया का प्रबंध, सुसमाचार का प्रचार, पास्टर की केयर, इन चीजों के लिए हम पैसा देते हैं चर्च में। और इसलिए ये आप लोगों की जिम्मेदारी है इसमें धन डालना। और उसके विषय में आपको फटाफट बताऊंगा बाइबल क्या सिखाती है। मैंने आपको बताया, सामने देखें, दान देने वाला उदारता से दे, गिव जेनरसली, ये बाइबल सिखाती है। रोमियो 12 के 8 में हम इसको पढ़ते हैं, फटाफट जो वचन आ रहे हैं। समबडी प्लीज बी रेडी एंड टेक अ माइक ऑल्सो। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार, हाँ, जो हमें दिया गया है, हाँ, परमेश्वर ने अनुग्रह के अनुसार हमें कुछ दिया है, ओके, हमें विभिन्न वरदान मिले हैं, हाँ, विभिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है, हाँ, वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। ओके, जिसको भविष्यवाणी का वरदान मिला है वो भविष्यवाणी करे। यदि सेवा का तो सेवा में लगा रहे, हाँ, जो शिक्षक है वह शिक्षा देने में, हाँ, या वह जो उपदेशक है वह उपदेश देने में, दान देने वाला उदारता से दे। हाँ, दान देने वाला कैसे दे? उदारता से दे। दान देने वाले को उदारता से दार देना है, दान देना है। उदारता का मतलब बड़े दिल के साथ, खुले दिल के साथ, जितना देना चाहिए उससे भी ज्यादा देने की कोशिश करना, उससे भी ज्यादा देना और खुल दिली के साथ देना। दान देने वाला उदारता से दान दे, बाइबल हमको। दूसरी बात देखें सामने, व्यवस्थित ढंग से दान दें। कभी दिया, कभी नहीं दिया, आज दे दिया, बड़ी खुशी से अपना दशमांश डाला, दशमांश या जो भी आप डालते हैं, दशमांश के विषय में भी आज मैं आपको एक बात बताऊंगा, लेकिन जो भी आप डालते हैं तो फिर आपने 4 महीने कुछ डाला ही नहीं। पौलुस सिखाता है व्यवस्थित ढंग से दान दें, हर महीने दें, लगातार दें, रेगुलरली आप दान दें अपना। यहां पर पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को पत्री लिखता है और यरूशलम के लोगों के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहता है, और उस विषय में वो उनको शिक्षा दे रहा है। बहुत ही सटीक, बहुत ही ब्यूटीफुल शिक्षा है जो आज हम इस पौलुस के द्वारा जो सीखते हैं बाइबल में से। बहुत डीप डीप बातें, सिंपल भी हैं, डीप भी हैं, जो जिसको समझ में आ जाए। व्यवस्थित ढंग से दान दें हर महीने। क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों 16:2, सप्ताह के पहले दिन, हाँ, तुम में से प्रत्येक अपनी आय के अनुसार। भाई के पीछे पढ़ेंगे सब लोग। सप्ताह के पहले दिन पढ़ो, सारे बोलो, सारे सप्ताह के पहले दिन तुम में से प्रत्येक अपनी आय के अनुसार, प्रत्येक अपनी आय के अनुसार अपने पास कुछ रख छोड़े। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमें व्यवस्थित तरीके से, व्यवस्थित मतलब ऐसा नहीं कि आज दिया कल नहीं दिया, लगातार आप एक सिस्टम बनाएं और हर हफ्ते, हर महीने देने के लिए आप इस प्रकार अपने आप को आयोजित करें। आगे हम देखते हैं अपनी कमाई के अनुसार। अब अपनी कमाई के अनुसार कितना, उसकी हम बात अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी कमाई के अनुसार दीजिए। 16:2 में ही उस चीज के बारे में लिखा हुआ है, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी वीक, सप्ताह के पहले दिन, ईच वन ऑफ यू शुड सेट असाइड अ सम ऑफ मनी, तुम्हें एक पैसा अलग कर देना है, इन कीपिंग विथ योर इनकम। मतलब आप चर्च में जो दान डालते हैं वो डायरेक्टली इस चीज से जुड़ा हुआ है कि आपकी कमाई कितनी है, आपकी कमाई कितनी है उसके साथ जुड़ा हुआ है वो फैसला कि आप चर्च में कितना डालेंगे। यहां पे फिलहाल वो नहीं बोलता कितना परसेंट निकाल दो, उसकी बात यहां पे नहीं हो रही, लेकिन ये बोल रहा है कि आप प्रोपोर्शनेटली इनकम के अनुसार निकालें। कभी मैं आपको, शायद यहां पे कुछ लोग होंगे जिन्होंने कभी चर्च में दान देने के विषय में अपनी तनख्वाह के अनुसार जोड़ के उस दृष्टिकोण से कभी सोचा ही नहीं। अगर आप सच्चे मन से,
सच्चे मन से यदि आप 10 रुपए डाल रहे हैं, प्रभु ने ग्रहण किया है इज्जत के साथ. हमारे यहां पे एक एक ऑलमोस्ट मतलब एक व्हाट इज इट, मतलब मैंने कुछ लोगों से बहुत पैशनेटली इसके बारे में बात की थी कि क्या होता था कि जब लोग यहां पे 1 रुपया 2 रुपया डालते थे डीबीएफ में वो पैसा नहीं जाता था. और मैंने देखा कि यहां पे ड्रॉअर के अंदर वो इतना बड़ा डब्बा वो 2 रुपए इकट्ठे क्यों होते रहते हैं. और मैंने उन लोगों से बोला कि ये गलत है, ये पाप है. कोई भी चोरी नहीं कर रहा था, लेकिन वो पैसा था कि चलो 1 रुपया क्या डालना, ऐसा नहीं है. अगर किसी ने 1 रुपया भी डाला है सच्चे मन से, वो परमेश्वर के लिए है और वो पवित्र है, वो पहुंचना चाहिए चर्च के खाते में. तो आप कितना डालते हो, मैं उसके ऊपर आज आपके ऊपर अटैक नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं, शायद आप में से कुछ लोग होंगे जो सिर्फ और सिर्फ नियमित रूप से बिना सोचे अपनी जिम्मेदारी चर्च में आर्थिक जिम्मेदारी को पूरा किए बिना सोचे लगातार सालों सालों से सिर्फ 10 रुपया डाल रहे हैं. अब उस 10 रुपये में से अगर वो 10 रुपया आपने सच्चे मन से डाला है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो ग्रहण योग्य है, प्रभु ने प्यार किया है उस पैसे से और प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु ने उसकी इज्जत करी है उस पैसे की. बट यदि आपने चर्च में आज तक अपना देना अपनी तनख्वाह या अपनी आमदनी के साथ जोड़ के कभी नहीं देखा है, तो आज से देखना शुरू करें. बाइबल कहती है अपनी इनकम के अनुसार उसका एक पोर्शन निकाल लें और आपको उसको चर्च में देना है. अब बात करते हैं दशमांश की. मेरा जो मानना है, बहुत सारी बातें हैं दशमांश को लेके, प्रभु की कलीसिया एक है, चाहे वो कोई पेंटिकॉस्टल हो, चाहे वो कोई ब्रदरन हो, चाहे वो कोई अलग अलग कलीसिया में जाने कोई CNI हो, चाहे कोई भी हो, हम सब प्रभु के लोग हैं और प्रभु की देह में इस विषय पर कलीसिया बटी हुई है, कितना देना चाहिए कितना नहीं देना चाहिए. और कुछ लोगों को लगता है कि जो दशमांश है, कमाई का 10वां हिस्सा, वो एक नियम के अनुसार हमें आज भी पूरा करना है. ऐसा मेरा मानना नहीं है. तो फिर कितना देना चाहिए, मेरा यह मानना है और यह कोई सही गलत नहीं है, आपको अपने लिए फैसला कर. आप बाइबल पढ़ो, आप 10 लोगों से बात करो जो बुद्धि रखते हैं परमेश्वर के वचन के बारे में, और आप अपने परिवार के लिए फैसला करो. लेकिन जो मुझे लगता है कि हम दशमांश के साथ उस रूप से नहीं बंधे हुए जिस प्रकार पुराने नियम के लोग बंधे हुए थे, लेकिन मैं यह मानता हूं कि हमें अपना दशमांश कमाई का 10वां हिस्सा कम से कम चर्च में एक एक प्रिंसिपल, एक आदत के रूप में शुरू करना बहुत बहुत जरूरी है. और मेरा यह भी मानना है शायद 10% तो बहुत कम है, वो तो बेसिक है, वो तो शुरुआत है. अपना दशमांश कम से कम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा प्रभु के चरणों में रखना चाहिए. लेकिन जब बाइबल कहती है गिव जेनरसली, सामने देखें, जब बाइबल कहती है गिव जेनरसली, तो इसमें दशमांश तो कैंसिल ही कर दिया ना वचन ने. कैंसिल मतलब अगर लिखा है कि तुम उदारता के साथ, या तो उदारता से दो मतलब बढ़ चढ़ के दो, या फिर अपना दशमांश दे दो. बाइबल क्या बोलती है, उदारता से दो. लेकिन एक एक चीज है जहां से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो परमेश्वर का है, नए नियम में प्रभु ने कहा जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो. इसका मतलब आपकी कमाई का हिस्सा कुछ ना कुछ है जो परमेश्वर का है, सब कुछ प्रभु का है. दो बातें थी जो मैंने छोड़ दी, लेकिन दो बातें थी गिविंग के विषय में, दान देने के विषय में दो बातों का ध्यान रखना. समय की वजह से बाइबल का वचन हम अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन दो मूलभूत जो सिद्धांत हैं देने को लेकर के, पहला क्या है, गॉड ओन्स एवरीथिंग, परमेश्वर सारी सृष्टि का मालिक है. भजन संहिता 24:1 में लिखा है कि धरती यहोवा की है और जो कुछ उसमें है यहोवा का है, परमेश्वर का है. बाइबल में यह भी लिखा हुआ है, साम भजन संहिता 24:1 में उसके दूसरे भाग में ऐसा भी लिखा हुआ है, दुनिया प्रभु की है और उसमें जो लोग हैं वो भी प्रभु के हैं. प्रभु ही सब चीजों का मालिक है, धरती आकाश का, जो कुछ भी हम देखते हैं, जितना पैसा आपके अकाउंट में आज रखा है. अगर कोई सोने की चेन आपके घर में आपने रखी है, अगर कोई 50 गज का प्लॉट आपके नाम पर पे है, आप उसके मालिक नहीं हो. जब परमेश्वर ने धरती बनाई और उस धरती के बाद परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, क्या बाइबल में आप ऐसा देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम चल अब मैं ना ये धरती तेरे, चल तो अपन कोर्ट में चलते हैं और मैं तेरे नाम कर दूं, रजिस्ट्री तेरे नाम पर कर दूं, ऐसा हम देखते हैं बाइबल में? परमेश्वर ने धरती बनाई, परमेश्वर ने इंसान बनाया,
और इंसान को धरती की जिम्मेदारी सौंप दी, मालिक नहीं बनाया। आप सुन रहे हैं? सुन रहे हैं आप लोग? परमेश्वर ने धरती बनाई, उसने आदम बनाया, आदम को धरती का रक्षक बनाया, धरती पे काम करने का माली बनाया, उसको जिम्मेदारी सौंपी, पर उसको यह नहीं कहा कि तू धरती का मालिक है, यह कहा कि तू राज कर, लेकिन यह नहीं कहा कि तू इसका मालिक बन गया। मालिकाना हक धरती को नष्ट करने के लिए, कौन धरती आसमान जब खत्म हो जाएंगे आप आपके और मेरे कहने से होंगे? यीशु मसीह करेगा, हालेलुया, क्योंकि वही सब चीजों का मालिक है। और दूसरा फंडामेंटल ट्रूथ यह था कि हम मालिक नहीं है, पहली बात प्रभु मालिक है, दूसरा हम मालिक नहीं है, हम केवल उसकी रक्षा करने के लिए जिम्मेदारी पाए हुए लोग हैं। जो कुछ हमारे पास है, आपकी अकाउंट में, आपकी जेब में इस समय 500 रुपए हैं, शायद आपकी जेब में इस समय 10,000 रुपए हैं, आए मैं आपको बोल रहा हूं, आप उसके मालिक नहीं हो, आप उसकी रक्षा करने वाले, उसको बुद्धि के साथ इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, मालिक नहीं है आप। मेहनत करते हैं आप बहुत ज्यादा, आपको लगता है ये तो मेरा है, मेरी तनख्वाह, मेरी मेहनत, मेरी खून पसीने की कमाई, यही हम बोलते हैं ना, कमाई है तेरी, पर उसका मालिक तू नहीं है, परमेश्वर है। क्योंकि बाइबल ये बताती है, तीन जगह पर बाइबल लिखती है, सब सुन रहे हैं, तीन जगह पर बाइबल कहती है तू नंगा इस धरती पर आया था और निर्वस्त्र ही इस धरती से चला जाएगा। ये भी लिखा है बाइबल में कि जो तू अपने हाथ, योर लेबर, जो तू अपने हाथों की मेहनत से कमाता है वो तेरा नहीं है, क्योंकि अगर तेरा होता तो तू उसको साथ लेके जाता। क्या हम साथ लेके जाते हैं? नहीं लेके जाते। इसका मतलब हम नहीं है मालिक, यू डू नॉट ओन एनीथिंग, हम सिर्फ संभाल के रखने वाले लोग हैं जिनको संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसलिए अब हम दशमांश की बात करें, वो जो 100% जो आपकी इनकम आती है, 10,000 रुपए जो आपकी तनख्वाह आती है, आपने बड़ी ईमानदारी के साथ दशमांश डाल दिया और बाकी का 9,000, क्योंकि 1,000 तो प्रभु का है, डाल दिया, और 9,000 अपनी मर्जी का मालिक तू नहीं है। तू उस 10% के लिए भी उतना ही जिम्मेदार है जितना तू उस 90% के लिए भी परमेश्वर के लिए जवाबदार है जितना तू उस 10% के लिए है। So, 10% डालना, कमाई का 10वां हिस्सा डालना प्रभु को, वहां से शुरू करो, अपना देना वहां से शुरू करो। कमाई का 10वां हिस्सा, जितनी भी तुम्हारी कमाई है उसका 10वां हिस्सा गिन के प्रभु के चरणों में डालना शुरू करो, क्योंकि ये एक अच्छी मसीही प्रैक्टिस है, अच्छा मसीही प्रिंसिपल है, और जिसको हम बाइबल में देखते आ रहे हैं, और देना हमारी जिम्मेदारी। पर अगर बाइबल कहती है तू बढ़ चढ़ के दे, तो इसका मतलब 10% से, अगर हम 10% से बढ़ेंगे नहीं तो क्या उदारता दिखा पाएंगे? हाँ या ना? नहीं दिखा पाएंगे। सो बढ़ चढ़ के देने के लिए बाइबल हमें सिखाती है, क्योंकि हम किसी भी चीज के मालिक नहीं है। और प्रभु ने जब अपना पुत्र हमें दे दिया, प्रभु ने, नया नियम क्या सिखाता है, यीशु मसीह में हमने पाया अनुग्रह पर अनुग्रह। क्या पाया हमने? अनुग्रह नहीं पाया, क्या पाया? अनुग्रह पर अनुग्रह। मतलब हमने आशीष कैसे पाई? बढ़ चढ़ के आशीष पाई। तब तो हमने नहीं कहा प्रभु संभलती नहीं, थोड़ी कम आशीष दे, बोला हमने, लेकिन देने के लिए ढक्कन लगाना जानते हम। और शायद कुछ लोग देने के लिए कभी अपना पर्स खोलते ही नहीं, क्योंकि हमारी सोच है, सब ध्यान से सुने, हो सकता है आप में से किसी की ऐसी सोच है या रही हो कि चर्च में पैसा देना जो ज्यादा पैसे वाले हैं उनका काम है। गलत। आपका जितना पैसा है, यहां तक कि आप अपने बच्चों को सिखाओ, यदि आप अपने बच्चों को एक महीने में 100 रुपया देते हो खर्च करने के लिए, तो उनको सिखाओ ताकि आदत डल जाए, बच्चे सीखें, माँ बाप से सीखें, उनकी कथनी से, उनके शब्दों से सीखें, उनके करने से सीखें कि बच्चे तेरे पास 100 रुपया आया पॉकेट मनी, तू 10 रुपया परमेश्वर के नाम पर निकाल। इसलिए आप 10% अपनी कमाई का हिस्सा प्रभु के चरणों में डालना सीखें। एक और बात दशमांश को लेके, जो लोग बाइबल की बड़ी गहरी स्टडी करते हैं, गहरी मतलब वो उनके चश्मे पक्का लगे होते हैं, वो जल्दी उनको दिखना, क्योंकि वो बहुत पढ़ते हैं किताबें, और एक नहीं दो नहीं, बाइबल को अच्छे तरीके से रिसर्च करते हैं, क्योंकि वो खुदा से प्यार करते हैं। जो विद्वान लोग हैं, बाइबल के विद्वान लोग हैं, उन्होंने सिखाया है, बताया है, धन्यवाद उनकी पढ़ाई के लिए, उन्होंने सिखाया कि पुराने नियम के लोग 10% डालते ही नहीं थे,
पुराने नियम के लोग 10% नहीं डालते थे, अगर आप ध्यान से उनका सब जितना भी वो देते थे अगर वो सब आप जोड़ो तो वो 24% होता था। कितना? अगर आपको दशवांश डालना है ना, दशवांश समझ के, पुराने नियम का नियम समझ के अगर आपको डालना है तो फिर 24% निकालना शुरू करो, क्योंकि इज़राइल के लोग 10% देते ही नहीं थे, वो 24% देते थे। वो जितनी चीजों का 10 10 10 10 देते थे उन चीजों का कुल मिलाकर कितना बनता था? 24%। इसलिए दशवांश के साथ बंद मत जाओ कि बस दशवांश निकाल दिया मैं खुश हूं, जेनरसली दे दो, क्योंकि नए नियम ने परमेश्वर ने तुम्हारे लिए और मेरे लिए क्या दिया है? अपना इकलौता पुत्र दिया है। उसने तो नहीं बोला कि तू बेटा एक काम कर, धरती पे जा और 10 दिन के लिए जा। कितने दिन के लिए? 10 दिन के लिए जा, फटाफट जा उनको सुसमाचार सुना के और जल्दी वापस आ जा बेटा, मेरा तेरे बिना दिल नहीं लगता। ऐसा नहीं था ना, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस धरती पर जलील होने के लिए, बेइज्जत होने के लिए, क्रूस पर अपना लहू और पानी तक खाली कर देने के लिए अपने पुत्र को दे दिया। उसने अपने पुत्र को 10% नहीं दिया, उसने अपने पुत्र को 100% दे दिया, ताकि हमें क्या मिले? अनुग्रह पर अनुग्रह मिले। अगर आप और मैं यीशु मसीह के वसीले से अगर हम अनुग्रह पर अनुग्रह पाने वाले लोग हैं तो हम 10% से बंधे नहीं रहेंगे, हम बढ़ते जाएंगे अपने देने में। हालेलुया। आगे हम देखते हैं, व्यवस्थित ढंग से दें, अपनी कमाई का एक हिस्सा बांध लें। और ये हम देखते हैं वचन से, आई विश कि मैं, समय जा रहा है इसलिए जो वचन हम जो लिखा हुआ है ये मैं रात को व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, आप अपने घर में बाइबल खोल के पढ़ लीजिएगा। लेकिन बाइबल सिखाती है ये चार वैल्यूज या चार एटीट्यूड्स आपके देने में। सारे बोलो, जब मैं देता हूं, सब लोग बोले जब मैं दान देता हूं तो मेरे दान देने में ये चार स्वभाव होने चाहिए। सब जोर से बोले मेरे दान देने में, एवरीबॉडी मेरे दान देने में ये चार स्वभाव होने चाहिए। ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं ये बाइबल से है। पहला स्वभाव जो होना चाहिए, तत्परता के साथ, देने का मौका आया खुशी के साथ, तत्परता के साथ मैं देना चाहता हूं, मैं प्रभु के काम के लिए देना चाहता हूं, तब बिना संकोच किए, बिना सोचे कि मेरा घर का खर्चा कैसे चलेगा, मैं क्यों दूं, मैं तो बहुत कर्जों में हूं, वो ज्यादा पैसे वाले उनको देने दो ना, मैं दूंगा, ऐसी बात थोड़ी मैं नहीं दूंगा, मैं दूंगा, पहले मेरा ये हो जाए, पहले मेरा वो हो जाए, पहले मेरे बच्चों का ये हो जाए, पहले मैं घर बना लूं फिर दूंगा, मैं सारी उम्र पड़ी मैं दूंगा, मैं ना 10 पास्टरों को तनख्वाह देना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो करना। तू आज ईमानदार होना सीख ले, आज के दिन फेथफुल होना सीख लो, क्योंकि कल हमने नहीं देखा। इसलिए तत्परता के साथ, बिना संकोच किए, बिना डरे, बिना घबराए। दूसरा स्वभाव क्या है? उत्साह के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, विद जील। We have heard about zeal, with zeal for missions, zeal for preaching, zeal for good works. ये हमने देखा है बाइबल में, लेकिन बाइबल zeal for giving की बात भी करती है। देने के लिए उत्साहित होना, डांस करने के लिए चर्च में, उसमें तो उत्साहित होते हैं। बाहर मिशन ट्रिप पे जाएंगे तो कुछ भी करके छुट्टियां अरेंज कर लेंगे, क्योंकि zeal है मेरे अंदर मिशन ट्रिप पे जाने की। बाइबल बात करती है तेरे देने में भी एक जील होनी चाहिए, तेरे दान देने में भी एक उत्साह होना चाहिए। भाई बहनों, अगर आपको लग रहा है प्रभु आपसे बात कर रहा है तो थोड़ा मुझे बताओ कि प्रभु आपसे बात कर रहा है, प्रभु आपसे बात कर रहा है। आपके देने में उत्साह होना चाहिए। फिर अपनी मर्जी से दें। आज आपने इस विषय पर वचन सुन लिया तो घर जाके आप बोलेंगे यार आज चर्च गए थे और आज ना पास्टर ने ऐसा बोल दिया, अपनी पत्नी को बोलेंगे यार अगले संडे ध्यान रखियो अपन को ना देना है, और कोई भी मतलब ऐसा लग रहा है कि दबाव में आ गए, यू नो चर्च के पादरी ने बोला तो दबाव में आ गए, दबाव में नहीं देना। इस वचन में दूसरा कुरुंथियों 9:5 में एक्चुअली साफ साफ ऐसा ही लिखा हुआ है कि दबाव में आके मत देना। अगर आप दान डालते हो, जो शिक्षा आपने सुनी है यदि आपने उसको ग्रहण किया है, विश्वास किया है, बाइबल से भी चेक कर लिया है, उसके बाद आप दीजिए। हमारे कहने पर नहीं देना, पास्टर के कहने पर भी नहीं देना, पहले विश्वास कर लो उस बात पर। यू मस्ट नो व्हाई यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, जो आप कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ही कुछ भी करना।
किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, पास्टर जॉय ने बोल दिया तो आज की बात करूंगा, नहीं, विश्वास करो कि प्रभु वो चीज आपको सिखाता है। और चौथा, वो जुड़ा हुआ उसी से, मर्जी से दो, जी जान से दो, अपने मजबूत क्या बोलते हैं बुलंदी के साथ और बड़े दिल वाले होके दो, जी जान पूरे आत्मा से दो अपने। और क्या लिखा आगे हिंदी में, क्या नहीं करना, कुड़कुड़ा कर मत दो, खुशी के साथ दो। ये चार एटीट्यूड्स आपके गिविंग में होने चाहिए, आपके दान देने में ये चार स्वभाव होने चाहिए। पांचवा, ये विश्वास करते हुए दो कि प्रभु आपको बदले में और देगा। और खुदा का धन्यवाद कि जो आगे की बात लिखी हुई है, दान जब डालते हो ये विश्वास करते हुए दो कि प्रभु मुझे और ज्यादा देगा, ताकि मैं मजे करूं, नहीं, ताकि तू और ज्यादा भले काम कर सके। और बाइबल सिखाती है इस बात को, पढ़ें भाई, 2 Corinthians 9:6-8, एवरीबडी सब खोल लें। मैं अगले 5 मिनट में फिनिश करूंगा, लेकिन मेरे साथ मेहनत करें, बाइबल खोलने की मेहनत करें, क्योंकि प्रभु आपसे बात करेगा। 2 Corinthians 9:6-8, अब मैं यह कहता हूं कि जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा ही काटेगा। हाँ, और जो ये साफ साफ पैसे के विषय में ही है, ऐसा मेरा मानना है। जो थोड़ा बोएगा, हम जब डालते हैं हम क्या कर रहे हैं सारे, बोलो, हम जब इस थैली में या इस डब्बे में हम जब दान को डाल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बो रहे हैं। क्या कर रहे हैं विवेक, बो रहे हैं हम कुछ। और जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोएगा वो ज्यादा काटेगा। अब लेकिन आगे पढ़ो, ये नहीं कि यार ये तो अच्छा, मतलब LIC वाले तो 10 साल के बाद या पता नहीं कितने सालों के बाद डबल करते हैं, तो एक काम करते हैं चर्च में डाल के देखते हैं। कुछ लोग सिर्फ डालते हैं इसलिए ताकि चमत्कार देखने को मिले। जब मैंने शुरू शुरू में डालना शुरू किया था ना, मैं सचमुच में ना एक दो बारी चमत्कार देखने के लिए डाला था मैंने, प्रभु ने किया भी, लेकिन हर बार नहीं किया, क्योंकि क्या तुम चमत्कार देखने के लिए दान डालते हो, गलत है। तुम इसलिए देते हो क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी है। प्रभु चमत्कार करता है यहां पर इसी जगह पर खड़े होके। आज से शायद 1-1.5 साल पहले की बात है, जब मेरी पत्नी और मैंने हमने डालना था, जब डाल दिया, वो डालने के बाद हम शून्य हो गए थे, बिल्कुल शून्य हो गए थे। और हमारे पास अभी महीना था जो हमको जीना था, और जितना भी हमने डाला, खुदा महान है, इस चर्च में ऐसा शायद मेरे साथ 4 या 5 बार 7 साल में इस चर्च में हूं मैं, लेकिन मेरे साथ सिर्फ 4 या 5 बार, मेरे ख्याल में उससे भी कम, 2 या 3 बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि अगर आप में से किसी ने मेरे लिए कुछ दिया हो। आमतौर पे ऐसा नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। हम नहीं बोलते कि आप मुझे पैसा दें, आप प्रभु को दें और प्रभु हमें आशीष देगा। लेकिन एक बार क्या हुआ, जितना हमने डाला एग्जैक्टली डबल यहां पर, अभी प्रचार खत्म हुआ था और आप लोग सब बाहर जा रहे थे, कुछ लोग मेरे पास आए और मैं बिल्कुल इस स्थान पे खड़ा था और मैं आज भी कांपता हूं वो सोच के कि जितना मैंने उसी दिन उसी संडे जितना मैंने डाला था उसका एग्जैक्टली बाय कैलकुलेशन, मतलब मैथमेटिकली बिल्कुल एग्जैक्ट डबल मेरी जेब में आ गया था, क्योंकि कुछ लोगों ने आके मुझे दिया कि पास्टर ये आपके लिए है। और ऐसा हमारे चर्च में, मैं बता रहा हूं, 7 साल में सिर्फ 2 या 3 बार हुआ है। उस दिन एक बार हुआ था कि जितना मेरे पास, तो प्रभु करता है चमत्कार, हालेलुया, बट सिर्फ चमत्कारों को देखने के लिए डाल के देखते हैं। अगर आप सिर्फ देखने के लिए डाल रहे हो ना कि देखते हैं क्या होता है, दर्शन छोटा है आपका। आगे देखते हैं कि आपको, क्योंकि आप आभारी हैं इसलिए आप डालते हैं, प्रभु तो देगा। डू यू नो वन थिंग, जब आप दशमांश नहीं डालते हैं, जब आप अपना दशमांश या अपना पैसा धन इसमें जब नहीं डालते हैं, तब भी प्रभु आपको आशीष देता है। वो चमत्कार नहीं है, उसके द्वारा कुछ पाने के लायक हैं हम? तो आपको चमत्कार देखना है, धन डाल के वापस कितना मिलेगा, वो छोटा चमत्कार है। वो चमत्कार देखो जब तुम किसी चीज के लायक नहीं, लेकिन वो तुम्हें पालता है। मनुष्य किसी चीज के लायक नहीं कि प्रभु से कुछ भी पाए, लेकिन प्रभु हमें देता है। हम जब नहीं भी देते वो हमें देखता है। क्या कहती बाइबल, when we आर अनफेथफुल, जब हम धोखेबाज होते हैं प्रभु के साथ, वो तब भी हमारे साथ वफादारी निभाता है। जिसने प्रभु के दिल को जान लिया वो सबसे बड़ा ज्ञानी हो गया। और प्रभु के दिल की सबसे बड़ी बात यह है कि वो प्यार करने वाला प्रभु है।
एक बाप था जिसने अपने बेटे से कहा कि बेटा तू आज एक काम करना, तेरा कमरा बहुत गंदा रहता है. उस उनकी माँ नहीं थी, बच्चे की माँ मर चुकी थी. तेरा कमरा बहुत गंदा रहता है, तू एक काम करना बेटा, जब मैं रात को आऊँगा तेरा कमरा साफ होना चाहिए. अगर तूने अपना कमरा साफ कर लिया, अगर क्या था, अगर तूने अपना कमरा साफ कर लिया मैं तुझे आइसक्रीम खिलाने के लिए बाहर लेके जाऊँगा. उसका बाप आया और उसके बाप रात को उस अपने कमरे में गया. उसने कहा मेरा बेटा मुझसे प्यार करता है, मेरी आज्ञा को मानेगा, मैंने इसको प्रॉमिस भी किया है, प्रॉमिस भी किया है, जरूर इसने अपना कमरा साफ किया होगा. लेकिन जब उसने अपने बेटे के कमरे में गया, उसके बेटे का कमरा पहले से भी ज़्यादा गंदा था. सब कुछ खिलौने बिखरे पड़े थे और जूते यहाँ वहाँ फेंके हुए थे और कपड़े और जुराबें और दीवार की तस्वीरें नीचे गिरी हुई थी. बाथरूम गंदा था, फ्लश नहीं, सब कुछ, कमरा बहुत बुरे हालत में था. पता बाप ने क्या किया? उसको दो थप्पड़ लगाए. ऐसा नहीं, उस बाप ने दिन भर वो फैक्ट्री में मेहनत का काम करता था, थक चुका था उसका बाप. उसके घर में उसकी बीवी तक नहीं है जो उसके आने पर उसको एक चाय की कप पिला दे. घर में उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है. अभी उसने घर आके खाना पकाना है, लेकिन अभी वो क्या कर रहा है, थका हुआ है, अपने बेटे का कमरा साफ करता है अच्छे तरीके से. और फिर पता क्या बोलता है, वो कहता है चल बेटा हम आइसक्रीम खाने चलें, ये परमेश्वर का प्यार है हमारे लिए, जिस चीज़ के लिए हम, जिस चीज़ के हम लायक नहीं है वो चीज़ वो हमको देता है. यही है अनुग्रह जो हमने पाया है हमारे परमेश्वर से. और हम तो देते नहीं है. पहली बात, होंगे हम में से कुछ लोग जो अपना दशवांश यहाँ पे डालते ही नहीं है, अपनी कमाई का दसवां हिस्सा एक आदत के रूप में चर्च में डालते नहीं है. और 10 सालों से शायद चर्च में 10 रुपए का नोट ही जा रहा है, सिर्फ 10 रुपए का नोट जा रहा है. कभी ध्यान ही नहीं दिया कि चर्च कैसे चलता है, परमेश्वर के राज्य में जो जरूरतें हैं वो कैसे पूरी होती हैं. मेरे धन से प्रभु मुझे सौभाग्य देता है, उसका मैं भाग बन जाऊं. परमेश्वर प्यार करने वाला प्रभु है, इसलिए अपना सब कुछ उसको दें. अपना कत्ल मत कर देना. अगर किसी महीने आपसे दशमांश नहीं भी दिया गया तो अपना डोंट फील कि मतलब मैंने बहुत गंदा काम कर दिया. प्रभु बहुत महान है और बहुत भला है, और अगर आप उसके करीब आ जाएंगे, अगर आप उसकी भलाई को समझ लेंगे तो परमेश्वर के लिए आप कुछ भी करेंगे. फिर यह दशमांश आपको गवर्न नहीं करेगा, उसका प्यार आपको चलाएगा, नियम कानून आपको नहीं चलाएंगे. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों से, हाँ या ना? एंड गॉड इज एबल टू ब्लेस यू अबंडेंटली. परमेश्वर तुम्हें बहुतायत के साथ, जिसको हम बोलते हैं छप्पड़ फाड़ के बोलते हैं हम, बाइबल कहती है परमेश्वर आपको छप्पड़ फाड़ के आशीष दे सकता है. नोट करें, बाइबल कहती है सब बातों में और सब समय में तुम्हें जो चाहिए तुम्हारे पास होगा. हालेलुया. परमेश्वर के लोग सचमुच अगर हम इस वचन पे विश्वास करते हैं, बाइबल कहती है एट ऑल टाइम्स इन ऑल थिंग्स, सब चीजों में, सब बोले सब चीजों में, सब समय में मुझे जो चाहिए, चाहिए मतलब वो मौज मस्ती वाला चाहिए नहीं, जो मेरी जरूरतें हैं प्रभु मुझे देगा. सो अगर आप थोड़ा बोओगे आप थोड़ा काटोगे, अगर आप ज्यादा बोओगे आप ज्यादा काटोगे. लेकिन आप ज्यादा क्यों काटोगे? क्योंकि आप, ताकि आप प्रभु ज्यादा बड़े काम, ज्यादा बड़े पैमाने पर अच्छे काम कर सको. अच्छे काम मतलब दूसरों के लिए खर्च करना, कलीसिया के लिए खर्च करना, परमेश्वर का राज्य फैलाने के लिए अपना पैसा कहीं पे देना, परमेश्वर के काम के लिए अपना पैसा देना. अगर आप ज़्यादा डालोगे ज़्यादा काटोगे, और अगर आप ज़्यादा काटोगे मतलब ज़्यादा पाओगे बदले में, क्योंकि प्रभु आपको और ज़्यादा भले काम करने का सौभाग्य देना चाहता है. दुनिया की मौज मस्ती आराम नहीं, वो भी हमें देता है. बाइबल कहती है कि वो स्वयं हमारे इंजॉयमेंट के लिए हमें सब कुछ देता है. बाइबल में लिखा हुआ है, तिमोथियस में लिखा हुआ है. लेकिन मुख्य रूप से वो हमें इसलिए देता है ताकि हम ज्यादा भले काम कर सकें. छठी बात, और हम यहां पे खत्म करेंगे बहुत जल्द. परमेश्वर की ओर से आपको ज्यादा इसलिए दिया जाता है ताकि आप ज्यादा दान दे सको. इस बात को फिर से नए रूप में मैंने लिखा, क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों 9:11 हमको सिखाता है. 7वां पॉइंट, दान देना धन्यवाद देने का उत्तम तरीका है. अगर आप सचमुच धन्यवाद देना चाहते हो, सब लोग अपना हाथ उठाएं मेरी तरफ देखें. अगर आप धन्यवाद देना चाहते हो, सिर्फ गवाही मत दो. या अगर आप अपने दिल से धन्यवाद दे रहे हैं तो आप सिर्फ गवाही नहीं दोगे, बाइबल कहती है आप अपना धन भी देंगे. दान देने का जो काम है, तुम सिर्फ लोगों की कमियां पूरी करने के लिए नहीं दे रहे हो,
You are also giving because you are thankful. The Bible says, सुने ध्यान से, this service that you perform, जो तुम दान देते हो, is not only for supplying the needs of Lord's people. तुम सिर्फ प्रभु के लोगों की जरूरतें पूरा करने के लिए नहीं दे रहे हो, क्योंकि तुम्हारे दिए के बिना भी परमेश्वर लोगों की जरूरतें पूरी कर सकता है. लेकिन क्या लिखा है? But is also overflowing in many expressions of thanks to God. तुम क्यों देते हो? क्योंकि तुम धन्यवाद देते हो. सब लोगों को समझ में आ गया? दान देना धन्यवाद देने का एक उत्तम तरीका है. और हम दान इसलिए नहीं देते कि लोगों की जरूरतें पूरी हो जाएं, लेकिन हमारा दान देना धन्यवाद देने का एक तरीका है. इसलिए अगर आप प्रभु से प्यार करते हो, प्रभु का प्यार पा चुके हो, समझ चुके हो, अपनी जेब को थोड़ा ढीला पकड़ोगे, अपने धन को थोड़ा ढीला पकड़ोगे और प्रभु के लिए धन जाने दोगे, प्रभु के चरणों में, प्रभु के कलीसिया में, प्रभु के लोगों के लिए, सुसमाचार के काम के लिए आप अपना दान देंगे, क्योंकि आप धन्यवाद देते हैं प्रभु को उन कामों के लिए, उन वरदानों के लिए, उन आशीषों के लिए जो प्रभु ने आपको दी हैं, जिसके आप लायक नहीं थे. मेरी उम्मीद है कि प्रभु आप लोगों से बात कर रहे हैं. आठवां पॉइंट, आपका दान देना दूसरों को आत्मिक रीति से बढ़ाता है. जब आप दान देते हो, दूसरे लोग उससे आशीष पाते हैं, आत्मिक रूप से बढ़ जाते हैं. जितना भी पैसा आप इसमें डालते हो ना, मैं आपको आज बताना चाहता हूं, जितना भी पैसा आप हमारे यहां पे डालते हो, उसमें से एक भी रुपया हम यहां से गिनती करके अपने घर में मैं नहीं लेके जाता हूं. चर्च का कोई भी सदस्य अपने घर में वो धन नहीं लेके जाता है. बहुत सी कलीसियाओं में बाय द वे ऐसा होता है. हम नहीं लेके जाते हैं. और ये जितना भी हम धन यहां पे डालते हैं, उसका 10% नहीं, कितना, 27% से भी ज्यादा, 27 point, मतलब लगभग 27-28% पैसा, जितनी भी हमारी यहां पे जो आप दान डालते हैं, वो पैसा कहां जाता है? DBF के एक ऐसे फंड में जाता है, जिस फंड से ऐसे पादरी और मिशनरी जो गरीब हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं आता है, उनके घर चलाने में, उनके घर में रोटी पके, उसके लिए पैसा दिया जाता है. आपका जो 10 रुपया आप डालते हो, या जो आप 35,000 डालते हो, या जो आप 40,000 डालते हो, या तो आप जितना भी आप इसमें डालते हो, उसमें से बहुत से पादरियों के घर में चूल्हा जलता है. और उसमें से बहुत सा खर्चा पैसा ऐसा है जो हम उसको इस्तेमाल भी नहीं करते हैं. वो चला गया तो चला गया. वो हम उससे ना उसका हम हिसाब मांगते हैं, ना उसमें से हम कुछ वापस पाने की कामना करते हैं. वो सारा का सारा पैसा प्रभु के कामों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है. जहां पे सुसमाचार नहीं जाता, वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं, उनके घरों में देने के लिए जाता है. मैं आपको, मेरा ऐसे बोलने का मन कर रहा है, इसका बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल थिंग. अपने देने के द्वारा, अपने पैसा देने के द्वारा, परमेश्वर जो खूबसूरत काम इस दुनिया में कर रहा है, उसका हिस्सा बनो. बड़ा आनंद आता है. जितना भी आप दे सकते हो, जितना आपके दिल से अगुवाई होती है, दे दो. प्रभु तुम्हारा ध्यान तो रखेगा ही जरूर. और जिनको हम देते हैं ना, कभी कभी वो हमको, हम मतलब एक व्यक्ति है जो हमें फोन करता है, SMS भी करता है, फोन भी करता है रेगुलरली, और हमें रेगुलरली मुझे बोलता है, जॉय भाई हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं. इसलिए जो आप यहां पे दान डालते हो, यहां पे क्या लिखा है, 9:13 में क्या लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ द सर्विस बाय विच यू हैव प्रूव्ड योरसेल्फ, तुमने दान दिया है, अदर्स विल प्रेज गॉड. लोग क्या करेंगे? अगर हम दान डालेंगे, लोग उससे आशीष पाएंगे, तो लोग क्या करेंगे? वचन कहता है परमेश्वर की आराधना करेंगे. इसका मतलब आपका दान डालना, जो भी आप चर्च में दान डालते हो, उससे लोगों की आत्मिक उन्नति हो रही है. कुरंथियों के लोग यरूशलम के लोगों के लिए पैसा भेज, ना तो उनके जानने वाले, ना उनके तौर तरीके जानने वाले, ना उनके रिश्तेदार, उनके लिए पैसा भेजा. आपको क्या लगता है, यरूशलम के लोगों ने कुरंथियों के लोगों का प्यार देख करके परमेश्वर की महिमा नहीं करी होगी? कितने यरूशलम में ऐसे लोग होंगे, ये क्योंकि ये वही संदर्भ वही है, कितने यरूशलम में ऐसे लोग होंगे जिनको रिश्तेदारों ने मना कर दिया मदद करने के लिए, क्योंकि यीशु के नाम पे विश्वास करते हैं. लेकिन कुरुंथियों के लोग, जिनको ना तो हम जानते, वो हमारे लिए पैसा भेज रहे हैं. उन्होंने पैसा पाने, हाथ में पकड़ने के बाद सबसे पहला काम क्या किया होगा? परमेश्वर की आराधना की होगी. जब आप दान डालते हो, वो परमेश्वर की महिमा को पैदा करता है. और आखिरी पॉइंट यही है, जब आप
दूसरों के लिए दान डालते हो, परमेश्वर के कामों के लिए दान डालते हो, तो लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं। 14 में लिखा है, एंड इन देयर प्रेयर्स फॉर यू, लोग, ठीक है, कुरुंथियों के लोगों ने यरूशलम के लोगों के लिए दान दिया, और क्या लिखा है, वो लोग तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। जितने भी लोग हमें सपोर्ट करते हैं, हम DBF हमको तनख्वाह देता है, और एक दो लोग हैं जो हमारी मदद करते हैं ताकि मेरा हमारा घर चल सके। हम जब मैं और मेरी पत्नी रात को प्रार्थना करते हैं, पता नहीं, हम प्लान नहीं करते ऐसा, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से उनके लिए दुआ निकलती है, उनके बिजनेस के लिए या उनके जो भी वो काम नौकरियां करते हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, हमारे दिल से प्रार्थना निकलती है उन लोगों के लिए। हम खुदा का धन्यवाद भी करते हैं, उसकी तारीफ भी करते हैं, प्रभु धन्यवाद, तूने हमारा घर चलाया, तूने हमारी जरूरतों को पूरा किया, और जिसने हमारे लिए दिया हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। ये देने के विषय में बाइबल, व्हाटएवर द, जितना कुछ बाइबल सिखाती है पैसे के विषय में मैं नहीं बोल पाया आपको, लेकिन देने के विषय में, आप लोग सत्संग के लोग दान देने के विषय में जितना कुछ मैं कह पाया इस समय में, मैंने कहने की कोशिश की। मेरी उम्मीद है कि आप सब लोग इन विषयों पर सीखेंगे और इसको अपने जीवन में लागू करेंगे।